अब मीन राशि वालों का बजेगा डंका, जिंदगी बदल देंगे देवगुरु बृहस्पति। 1 मई से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों को मनचाही सौगात देगा। लव लाइफ होगी बेहतर, बिजनेस में होगी तरक्की, विदेश जाने के योग बनेंगे और प्रमोशन भी होगा। कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी मीन राशि वालों की जिंदगी में होकर रहेंगी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत पेडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मीन राशि वालों को छप्पर फाड़ कामयाबी मिलने वाली है। हर मोर्चे पर मीन राशि वालों का डंका बजने वाला है, 1 मई से बजने वाला है। अब आप पूछेंगे कि 1 मई को आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि मीन राशि वालों का डंका बजेगा या मीन राशि वालों की जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि 1 मई से देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 12 महीने रहते हैं, 1 साल रहते हैं, फिर वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अब 1 मई को वो मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में आने वाले हैं। साल 2024 में पहली बार वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 12 साल के बाद वो वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। मीन राशि वालों को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं, अपनी कृपा बरसाने वाले हैं और मीन राशि वालों की दुनिया ही बदल जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद शुभ रहने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण, चौंकाने वाली, हैरान करने वाली, विस्मित करने वाली, अचंभित करने वाली घटनाएं आपके जीवन में होंगी। ये बात मैं ग्रह नक्षत्रों की स्टडी के आधार पर डंके की चोट पर कह रहा हूं। मीन राशि वाले अपने आप को नई एनर्जी से लैस महसूस करेंगे, खुशियां आपके पास चलकर आएंगी, उपलब्धियां आपके खाते में दर्ज होंगी, पैसा तो कई सोर्सेज से आपके पास आएगा। मीन राशि वाले देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अपना नया घर और नया फ्लैट खरीद पाएंगे। जिस बात का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो सपना भी आपका पूरा होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो वर्क प्लेस पे आपको तरक्की मिलेगी, नए लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, नए रिलेशन बनेंगे जो फ्यूचर में काम आएंगे। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है और ग्रहों का खेल बता देता है कि ग्रह आपकी जिंदगी में क्या गुल खिलाने वाले हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे नव ग्रहों में बृहस्पति को देवगुरु का दर्जा हासिल है। ये इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं। ये कैसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में तरक्की के रास्ते खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का कारक माना जाता है, अध्यात्म का कारक भी माना जाता है, दार्शनिक का दर्जा इन्हें दिया गया है। ये हमारे आध्यात्मिक ज्ञान और हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। जिस व्यक्ति पर ये प्रसन्न होते हैं उसे जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती और समाज में अच्छा स्टेटस रहता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई को दोपहर 12:59 पर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जून को वो रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। 9 अक्टूबर को वो वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। 4 फरवरी 2025 को वो मार्गी होंगे और उनका वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में जो गोचर है वो मीन राशि वालों के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा। मीन राशि वालों पर देवगुरु बृहस्पति अपना चमत्कार, अपनी कृपा, अपना जलवा दिखाने वाले हैं। हालांकि मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों की मुरादें पूरी करने वाला है, बहुत बड़ी राहत देने वाला है, क्योंकि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं चंद्र कुंडली के मुताबिक ये भविष्यफल बताता हूं। आप मेरी इस भविष्यवाणी को मीन राशि के मुताबिक भी देख सकते हैं, मीन लग्न के मुताबिक भी देख सकते हैं और अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंग्लिश में जिन लोगों का नाम दा, दी, दू, थ, झ, ण, दे, दो, चा या ची से शुरू होता है उनकी राशि मीन होती है। इस राशि का चिन्ह मछली होता है। ज्योतिष की जो 12 राशियां होती है उसमें यह अंतिम राशि है और इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं जिन्हें देवगुरु का दर्जा हासिल है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मीन राशि पर बृहस्पति का बहुत प्रभाव है, इसलिए मीन राशि के लोग गुरु के प्रभाव के कारण बहुत विद्वान, बुद्धिमान, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इनका व्यवहार बहुत बैलेंस्ड रहता है, भावुक होते हैं, व्यर्थ का दिखावा नहीं करते, चालाक लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। अगर ये किसी पर भरोसा कर लें तो फिर हमेशा के लिए करते हैं। ये अपने मित्रों के साथ इनके बहुत इमोशनल रिलेशंस रहते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। इनकी जो कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनेशन होती है, बहुत प्रखर होती है और उस इमेजिनेशन का प्रभाव घर के साथ सज्जा पर भी देखने को मिलता है। पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं। जिंदगी के प्रति बहुत लचीला दृष्टिकोण, बहुत फ्लेक्सीबल इनका दृष्टिकोण रहता है, नजरिया रहता है। मीन राशि वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, कठिन से कठिन समस्याओं को अपनी बुद्धि विवेक से सुलझाने में ये सक्षम होते हैं। मीन राशि वाले जो लोग हैं वो
शासकीय सेवाओं में होते हैं, न्यायाधीश, वकील, अध्यापक, शिक्षाविद, ज्योतिषी, लेखक, वक्ता, राजनेता, धर्मगुरु और उपदेशक आदि क्षेत्रों में काफी सफल रहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए कई मोर्चों पर बहुत शानदार रहने वाला है। आपके लव लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी जो आपको रोमांचित करेंगी, खुशी प्रदान करेंगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मीन राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ अच्छा होता रहेगा। हालांकि खर्चों की भी अधिकता रहेगी। घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। धर्म कर्म के मामलों में रुचि बढ़ेगी। जो सरकारी काम आपके पेंडिंग थे वो पूरे होते चले जाएंगे। आपकी रणनीतियां कामयाब रहेंगी। आपके सीनियर ऑफिसर आप पर मेहरबान रहेंगे। आपको अपने आप को साबित होने के करने के कई मौके मिलेंगे और आप उनको अपने आप को साबित भी करेंगे। प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। सरकार की तरफ से भी कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। अगर आप साझेदारी में, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बृहस्पति उसके लिए आपका रास्ता तैयार करेंगे। सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए ये समय जो है वो बढ़िया रहने वाला है। जो मीन राशि के लोग रियल एस्टेट में हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, मल्टीमीडिया में हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत शानदार रहने वाला है। मीन राशि वालों की लव लाइफ बेहतर होगी। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है और आपको कोई नया दायित्व भी सौंपा जा सकता है जिससे आपके रुतबा बढ़ेगा। अगर आप कंवारे हैं तो शादी के बंधन में बन सकते हैं। विवाह योग्य संतान के लिए घर में अच्छे रिश्ते आएंगे। कोई रिश्ता फाइनल भी कर सकते हैं। आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति बेटर होगी। किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी जो आपने मन में संजो रखी हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के ये समय बहुत शानदार रहेगा। जो गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपस में चल रही थी वो दूर होती चली जाएंगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनकी मुराद पूरी हो सकती है। घर में किलकारी गूंज सकती है और संतान के कैरियर के लिए भी समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।